हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे एक खूबसूरत सा आस्तीन का डिज़ाइन जो कि मैं बनाने वाली हूँ, वो भी लास्टिक डाल के। सब्सक्राइब कीजिए परवीन सिलाई सेंटर चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहले आप इसकी जो है जो इसकी हमने कटिंग की है वो आप समझ लीजिए। जैसे कि आपकी लंबाई, जितनी भी आपकी लंबाई है आस्तीन की, वो लंबाई रखने के बाद आपको 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है जो हमने ये मोड़ रखा है, जो ये हमने नीचे की साइड से मोड़ रखा है, यहाँ से प्रेस कर लिया है। और एक ये ध्यान रखना है कि जैसे हम और आस्तीन की कटिंग करते हैं नॉर्मल की, तो हम इस तरीके से करते हैं कि जितना हमारा 5 5 इंच का यहाँ से हमारा आस्तीन का आगे से ये रहे, यहाँ से हमारे आस्तीन का हम मतलब इसकी गोलाई जो रखेंगे वो हम 10 इंच रखेंगे, तो हम यहाँ से फोल्ड करके 5 इंच का निशान लगाते हैं। इसमें हमने ये इतना फालतू लिया है, आप देख सकते हैं, देखो हमने सिर्फ 5 इंच और कपड़ा इसमें हमने ज़्यादा लिया है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे सिलाई चला देंगे। जितनी भी आपकी जो लास्टिक है, जितनी भी लास्टिक की चौड़ाई है आपको ये नापना है। नापने के बाद ऐसे रखना है इसको, इस तरीके से नापना है और यहाँ पे एक ऐसे निशान लगाना है इस तरीके से, और इसी निशान पे हमें सिलाई चलानी है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक सिलाई और चला लेनी है, और इसको चलाने के बाद आपको यहाँ से अपने आस्तीन के यहाँ से इस तरीके से ये नाप लेना है कि हमारे यहाँ पर लास्टिक कितनी हमको आ जाएगी इस तरीके से। अब जितनी आ रही है तो इसमें हमें 1.5 इंच कम करके और कटिंग कर लेनी है। जैसे ही यहां से हमारी आ रही है इस तरीके से, तो यहां से हम 1 या 1.5 इंच कम करके कटिंग करेंगे। ये इस तरीके से आ जाएगी, तो इसमें हम सेफ्टी पिन की मदद से इसको हम अंदर इसमें डाल लेंगे इस तरीके से। तो आपको दोनों साइड से पकड़ के इस तरीके से बिल्कुल इकसार करना है कि कहीं से हमारी ये जो है कम ज्यादा ना हो। पहले हम सिलाई लगा लेते हैं इसको, तो हम फिर भी दोबारा भी सही कर लेंगे। पहले हम एक सिलाई लगा लेते हैं यहाँ से, तो बस आपको यहाँ से पकड़ना है और इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। आप इसे सर्दी में भी पहन सकते हैं, गर्मी में भी पहन सकते हैं, और पार्टी वेयर में भी जो हमारी जो ड्रेसें होती हैं उसमें भी ज़्यादातर हमारी इस तरीके की लास्टिक लगी हुई आती है। आप देख सकते हैं, देखो कितनी खूबसूरती से और कितने प्यार से हमारे ये बन के तैयार हुई है। देखा आपने कितनी जल्दी हमारी ये आस्तीन बन के तैयार हुई है। ये बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, और कितनी फिनिशिंग के साथ इसमें लास्टिक डली है। लास्टिक डालने का बहुत ही आसान तरीका है ये, और यहाँ से ये एक फ्रिल की तरह हमारी मुड़ के तैयार हो गई है।
और इसको और भी हम खूबसूरत बना सकते हैं जिस तरीके से ये हमारे कोई मोती वगैरह आपके पास हो। मेरे पास जैसे ये स्टोन है ये चिपकने वाले हैं तो मैं इनको इस तरीके से इसमें चिपकाने वाली हूँ। देखो इस तरीके से मैं इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे करके रखूँगी, सीधा नहीं रखूँगी, थोड़ा थोड़ा क्रॉस में करके रखूँगी इन्हें इस तरीके से। और बहुत ही खूबसूरत सी आस्तीन हमारी बन के ये तैयार होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जैसे कि मैं हर रोज़ नई वीडियो अपलोड करती हूँ और सिलाई से जुड़ी हर एक चीज़ डालती हूँ, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी और आपको कहीं ढूंढनी नहीं पड़ेगी। अब तो वैसे भी मैंने दो वीडियो डालनी शुरू कर दी है, अभी कई रोज़ से मैं दो वीडियो रोज़ डालती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख लें। अगर आपको कोई वीडियो बनवानी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो भी मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगी। आपको इस तरीके से ये वो आपकी पसंद है, आप लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। तो ये देखो कितनी अच्छी सी बन के तैयार हुई है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।